संघर्ष जैसा नहीं है, वो भी संघर्ष करता है, उसको सफलता निश्चित मिलती है। और नारा इसलिए लगवाया कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण, पढ़े लिखे लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, भारत के असली सपूत हैं, बहने हैं हमारी, भाई हैं हमारे, ये ऐसा आंदोलन कर रहे हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से है, संस्कारित है। मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे बीच में 16 जिलों के जिला प्रचारक, 4 विभागों के विभाग प्रचारक और महाराणा प्रताप सेना के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजवर्धन सिंह परमार, जिन्होंने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, शासन उत्तर प्रदेश से वार्ता कर और तत्काल अभी वहीं से आए हैं, ये बताएंगे कि आप युवाओं का कब कल्याण होने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हमारे साथ में राष्ट्रीय संगठन मंत्री है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बगल में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जो साथ गए हुए थे हमारे, रोड जामना करो, आप अपना आंदोलन रोड छोड़ जंग लग गया है आपके पीछे, आपके साथ, आपके सहयोग के लिए। और महाराणा प्रताप से इतना बड़ा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी अभी वार्ता करके आए हैं, आप शांतिपूर्ण ढंग से जो अपनी मांग कर रहे हैं उस मांग पर विचार किया जाएगा। मैं अभी अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो आपको दो शब्द संबोधन करें और आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए राष्ट्रीय, आप सभी को भारत माता की जय जय। आपका विषय सरकार के समक्ष रखा जा चुका है और संभवतः कल 3 देश के गृह राज्य मंत्री हैं, कल मैं किसी एक से मिलने का मेरा कल कार्यक्रम होगा, या तो हम अजय मिश्रा टेनी से मिलेंगे, या नित्यानंद राय से मिलेंगे, या जो है अमित शाह जी से मिलने का काम करेंगे। उनसे वार्ता करने के बाद आप लोगों को हम बताएंगे। और धरना जो भी 10 से 5 चल रहा है, अगर कल हमें सफलता नहीं मिलेगी तो 24 घंटे महाराणा प्रताप सेना करेगी, क्योंकि 48 घंटे का हमने समय मांगा था, अभी 24 हुए हैं, 24 बाकी, ये रोड पूरी जाम कर देंगे, आवागमन बंद कर देंगे। गोलियों से डरने वाले नहीं, रास्ता भी बंद होगा, अगर नहीं मिला कर सम्मान तो 24 आवर्स होगा अब आंदोलन। भाई शांत रहो, सीटी करवा रहे हैं। बातें पूरी अरे बात सुन लो, बात सुन लो पहले। इस आंदोलन का महाराणा प्रताप समर्थन करती है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चलो कोई नहीं सर। प्रताप सेना, ये चार्ज कराओ कहाँ होता है, पूरी तरह सर रूम पे होता है, बेहद हो जाता है और आगे जो भी कार्यक्रम तय किया जाएगा उस पर जो है विचार करके आगे भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, कल बुलाओ उसको, सख्ती से लागू करेंगे, सख्ती से आगे बढ़ाएंगे। बहुत आपके आगे चलते होंगे, आप हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि समस्त स्वयं सेवकों के हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कल दे दीजिए, उस ज्ञापन को माननीय अमित शाह जी के यहाँ या माननीय पीएमओ साहब के यहाँ ये रखने का काम करेंगे। बिना साइन, बिना लिखितम कुछ भी नहीं होने वाला है, ये जरूरी है, आप करवा लीजिए, ठीक है, रात तक करवा दीजिए। नरोत्तम आए हैं, गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री यहाँ के मध्य प्रदेश को, उनसे मिलना है रात को।
मोबाइल ठीक है साइन करवा ले माइक देना बता अरे माइक दे माइक दे माइक दे आवाज ऐसे पूरा लोग ऐसा है कि भाई सुनो जो है अरे सुन लो भाई आज वहाँ चर्चा की थी आप लोग अपना जो कागज है जो पेपर दिए हैं ना हाँ जी हाँ पूरा हर व्यक्ति अपना एक अलग अलग एप्लीकेशन बना के हमें दे ओके हर व्यक्ति अपना अलग अलग कि मेरा नाम ये है मेरा रोल नंबर ये था मैंने पेपर दिया था इसमें मैंने ये सब कर लिया और मुझे अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला ऐसे करके हर आदमी कंप्लीट करके